हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ नवरात्रि मेकअप लुक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया है, तो सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है मेवलिन न्यूयॉर्क का सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। पहले हम इसे अच्छे से शेक कर लेंगे और फिर थोड़ा सा यहाँ पर लेके मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी। और फिर इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है मेवलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर। तो इस कंसीलर को मैं अपने अंडर आईज पे नोज के अराउंड फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऐसे ही सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये मेरी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो मैं कंसीलर को इसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। जो ये कंसीलर है उसे हमें हमेशा ऊपर की तरफ को ब्लेंड करना है ताकि हमारे फेस को लिफ्टेड इफेक्ट मिल सके, इसलिए मैं इसे ऊपर की तरफ को ब्लेंड करूंगी। तो मेरा कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद मैं पैक के सेटिंग पाउडर की हेल्प से इस कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि मेरा जो कंसीलर है वो अंडर आईज में इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए इसे मैं इस ब्रश की हेल्प से थोड़ा नोज के अराउंड तो इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग करूंगी। तो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ब्लू हेवन का स्ट्रोब एंड शेप डुओ स्टिक। इसमें एक तरफ कॉन्टोर स्टिक है और दूसरी तरफ हाइलाइटर है। तो मैं सबसे पहले इससे कॉन्टोरिंग कर लूंगी। तो अब मैं इसे इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ये जो कॉन्टोर स्टिक है ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है क्योंकि इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। और ये जो नोज़ कॉन्टोरिंग है उसे मैं इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। तो मेरी क्रीम कॉन्टोरिंग हो चुकी है, इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा पाउडर कॉन्टोर करूंगी। ताकि मेरे फेस को अच्छे से डायमेंशन मिल जाए। यहाँ पे फोरहेड पे तो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉर एवर 52 का ये वाला ब्लश।
और इसका शेड है JCB003। दिख नहीं रहा, मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उन्हें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग चेक कर सकते हो वहाँ से अगर आपको भी ये प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो। तो पहले ये पम फॉर्म में आता है तो मैं इसे अपने हाथ पे लूँगी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा निकल गया तो इसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा नोज पे मैं इसे अपने फिंगर्स से ब्लेंड कर लूँगी। मेरा ब्लश भी लग चुका है और मेरी फिंगर्स में भी ब्लश लग चुका है। तो इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और इसका शेड है ब्लॉसम ग्लो। तो इससे मैं इस ब्रश पे लूँगी और फिर थोड़ा सा अपनी फिंगर्स पे लेके मैं अपनी नोज पे अप्लाई कर लूँगी थोड़ा यहाँ पे। तो मेरी आईब्रोज के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला आईब्रो पेंसिल और इसका शेड है 101 ब्लैक। तो पहले मैं अपनी ब्रोज को अच्छे से ब्रश कर लूँगी और फिर इससे आउटलाइनिंग दे दूँगी और शेड और फिर इससे इन्हें फिल कर लूँगी। उसके बाद ये जो ब्रश है इसकी हेल्प से मैं इसे अपनी आईब्रोज में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ मार्स का ये वाला आई शेडो पैलेट। सबसे पहले मैं इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से ये वाला आई शेडो लूँगी ब्राउन और इसे मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो मैंने ब्लू कुर्ती डाली है तो इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लू आई शेडो अप्लाई करूँ। तो मैं ये वाला शेड लेके इसे अपने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये वाला ब्लू आई शेडो, थोड़ा सा ग्लिटरी है तो इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी। मैं इसी शेड को हल्का हल्का अपनी बॉटम लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। तो इसके बाद मैं ये वाला शेड लूँगी और इसे एज अ लाइनर यूज़ करूँगी। तो इसके बाद मैं इसकी हेल्प से अपनी लैशेस को कर्ल कर लूँगी और फिर मस्कारा अप्लाई करूँगी। तो मैं ये वाला मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ, ये है लॉरेल पेरिस का वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा।
सो माय आईज आर डन. तो लिप्स के लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का ये वाला लिप लाइनर. इसका शेड है डार्क चॉकलेट. तो इसे अप्लाई करते हैं. इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक. और धूप भी चली जा चुकी है. एंड माय मेकअप इज डन एंड दिस इज माय फुल लुक. और धूप भी गायब हो चुकी है, बादल आ गए हैं आसमान में और मेरा मेकअप भी पूरा हो चुका है. एंड आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा. और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.